नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं राहुल द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेके आया हूं आज कुछ खास टेक न्यूज़ आपके लिए, तो बने रहे मेरे साथ। बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की पहली खबर की, जो कि आती है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों, Xiaomi Mi 9 प्रो जो 5G फ़ोन आने वाला है, उसका आज पहला पोस्टर टीज़र रिलीज़ हो गया है। दोस्तों, हमारे आपके सामने आ गया है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि है आसुस की तरफ से। दोस्तों, आसुस ROG फ़ोन सेकेंड जो है, अब आपको इंडिया में 23 सितंबर से मिल जाएगा। आप इसको बुक कर सकते हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट या ऐप से। दोस्तों, बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि आती है ब्लैक शार्क की तरफ से। दोस्तों, जो फर्स्ट जनरेशन ब्लैक शार्क जो फ़ोन था, उसको एंड्रॉयड पाई का जो अपडेट मिलना है, वो स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों, सैमसंग ने अभी अपना फोल्डेबल फ़ोन निकाला ही था, कि अब वो दूसरा अपना फोल्डेबल फ़ोन निकालने वाले हैं, जिसका नाम होगा गैलेक्सी W20 5G। दोस्तों, जो कि होगा फ्लिप फ़ोन, इसमें लगा होगा स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट और 512 GB की इसमें इंटरनल मेमोरी होगी। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है रियलमी की तरफ से। दोस्तों, रियलमी ने अभी इंडिया में रियलमी XT लॉन्च किया था, अब वो X2 लॉन्च करने वाले हैं, जो कि लॉन्च होगा चाइना में। दोस्तों, और उस वो लॉन्च होगा 24 सितंबर को, इसमें लगा होगा 64 MP का प्राइमरी कैमरा। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि आती है गूगल की तरफ से। दोस्तों, गूगल ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो उनका आने वाला फ़ोन है गूगल पिक्सल 4 और 4 XL, वो अब ऑफिशियली लॉन्च होगा अक्टूबर 15 को। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की, जो कि है नोकिया की तरफ से। दोस्तों, नोकिया 7.2 का प्री ऑर्डर स्टार्ट हो गया है US के लोगों के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों अगली खबर की, जो कि आती है ओरेकल की तरफ से। दोस्तों, ओरेकल और VMware ने जो है दोस्तों हाथ मिलाया है, ताकि वो क्लाउड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें अपने टेक्निकल सपोर्ट के लिए। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है नेटफ्लिक्स की तरफ से। दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने ग्लोबल राइट खरीद लिए हैं स्ट्रीम करने के शेन फील्ड के। दोस्तों, जो कि होंगे 2021 से स्टार्ट। अभी आप इसको देख सकते हैं अमेज़ॉन प्राइम वीडियो में। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है ओप्पो की तरफ से। दोस्तों, अभी एक सर्वे में ये पता चला है कि ओप्पो का जो रेनो एस आने वाला फ़ोन है, उसकी जो बैटरी है वो 30 मिनट के अंदर अंदर चार्ज हो जाएगी। दोस्तों, पूरी चार्ज 30 मिनट के अंदर हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि उसमें लगा है 64 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। दोस्तों, और आपको इसका जो चार्जर है वूक चार्जर, सुपर वूक चार्जर, वो इसके साथ ही मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, वो आती है हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। वो प्रोजेक्ट है, अगर किसी का मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उसको कैसे ढूंढा जाए। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। दोस्तों, CEIR। दोस्तों, बात करते हैं आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपका मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो सबसे पहले आपको FIR करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा DOT को। दोस्तों, जो इसका हेल्पलाइन नंबर है वो है 1442। जैसे ही आप इन्फॉर्म करते हैं और जो है वो वेरिफिकेशन हो जाता है दोस्तों, तो जो DOT है वो आपके फ़ोन को ब्लॉक लिस्ट कर देगा। और मान लीजिए, अगर कोई जिसे फ़ोन वो मिला है या जिसने चुराया है, अगर वो यूज़ करता है उस फ़ोन को दूसरे किसी और सिम से, तो जैसे ही वो सिम लगाएगा, उसका जो डेटा है, यूज़र डेटा है, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसके पास सारा आ जाएगा, और वो ट्रांसफ़र कर देगा पुलिस को। दोस्तों, जिससे आपका मोबाइल मिलने की संभावना है। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है, ये सबसे पहले महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट किया है एज ए पायलट प्रोजेक्ट, अब आगे ये पूरे इंडिया में जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास खबरें। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और इसी तरह सपोर्ट और प्यार देते रहें। मैं आपके लिए ऐसे ही रोज़ टेक न्यूज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, मैं फिर आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe my channel, hit like button and press bell icon. Yours Rahul Dwivedi.